हेलो नमस्कार सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है टेक्नो शाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने मोबाइल फोन के कैमरे को अपने लैपटॉप या पीसी पर वेब कैमरे की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। आपको किसी भी यूएसबी केबल से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान तरीका है और बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी आपको यहाँ मिलने वाली है। कोई भी डिले आपको देखने को नहीं मिलेगा। अपने मोबाइल फोन के कैमरे को वेब कैमरे की तरह इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फोन पर एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। उसके लिए आपको सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर हमें सर्च करना है NDI कैमरा। यहां हम सर्च करेंगे NDI कैमरा। अब जैसे ही आप यहां पर NDI कैमरा सर्च करोगे, सबसे पहला वाला जो ऐप दिखाई दे रहा है NDI कैमरा, इस पर क्लिक करना है और इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। NDI कैमरा ऐप हमारे मोबाइल फोन में इंस्टॉल हो चुका है। अब इसे ओपन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन हमें देखने को मिल जाते हैं, रेजोल्यूशन, फ्रेम रेट, माइक्रोफोन। लेकिन NDI कैमरा का ये हमने फ्री वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है, इसे आप पूरी तरह से फ्री में इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर थोड़ी सी लिमिटेशन है। जो आपको रेजोल्यूशन मिलेगा वो केवल 720p तक आप यहाँ पर कर सकते हो। इसके अलावा फ्रेम रेट आपका 30fps रहेगा और जो माइक्रोफोन है वो आपका मोबाइल फोन का जो बिल्ट इन माइक्रोफोन है उसका ही आप इस्तेमाल कर सकते हो। एक्सटर्नल माइक्रोफोन आपका यहाँ पर नहीं लगेगा। तो अगर आप चाहते हो एक्सटर्नल माइक्रोफोन कनेक्ट करना या फिर आप अपना रेजोल्यूशन बढ़ाना चाहते हो, 4K करना चाहते हो या 1080p करना चाहते हो, फ्रेम रेट बढ़ाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको NDI कैमरा का एक प्रो ऐप आता है, वो भी आप ले सकते हो। लगभग 800 रुपीज उसके चार्जेस हैं, तो वो भी आप परचेज कर सकते हो। लेकिन मैंने यहाँ पर चेक करके देखा था तो 720p में भी काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर हमारे मोबाइल फ़ोन पर NDI कैमरा हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको इस्तेमाल करने के लिए यहां पर आप देख रहे हो एक क्रॉस का बटन आ रहा है, एक प्ले का बटन आ रहा है, तो आपको सिंपल प्ले के बटन पर प्रेस कर देना है तो हमारा NDI कैमरा हमारे मोबाइल फोन से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको एक जरूरी बात जान लेनी है, आपका मोबाइल फोन और आपका लैपटॉप एक ही नेटवर्क में कनेक्ट होना चाहिए, तभी यह काम करेगा। तो मेरा मोबाइल फोन वाईफाई के थ्रू यहां पर कनेक्ट हो रखा है और लैपटॉप भी मेरा उसी नेटवर्क पर वाईफाई के थ्रू कनेक्ट हो रखा है। तो NDI कैमरे को अपने मोबाइल फोन पर स्टार्ट कर देते हैं। प्ले का बटन यहां पर दिया गया है, इसको क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हो हमारा कैमरा यहां पर कनेक्ट हो चुका है। ये देखिए, इस तरह की कुछ स्क्रीन आनी यहां पर स्टार्ट हो जाएगी। अब आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे ग्रिड का ऑप्शन आ रहा है, फ्लैश लाइट का ऑप्शन आ रहा है, इसके अलावा यहां पर पॉज का ऑप्शन आ रहा है, माइक का ऑप्शन आ रहा है, क्वालिटी यहां से आप चेंज कर सकते हो। इसके अलावा आप चाहो अपने मोबाइल फोन का बैक कैमरा इस्तेमाल करना और अगर आप चाहो कैमरे को स्विच करना तो यहां पर स्विच का ऑप्शन दिया गया है। स्विच पर इस पर क्लिक करो तो आपका कैमरा यहां से स्विच हो जाएगा। अब आप देख सकते हो मोबाइल फोन का हमारा फ्रंट कैमरा यहां पर काम कर रहा है और बैक कैमरा हमें लेके आना है, तो फिर से हम यहां पर क्लिक करेंगे तो हमारा बैक कैमरा यहां पर काम करने लगेगा। तो NDI कैमरा तो हमारे मोबाइल फोन पर स्टार्ट हो चुका है। अब हम जाएंगे अपने लैपटॉप पर और OBS स्टूडियो को ओपन करेंगे। यहां पर आपको अपने PC पर OBS स्टूडियो को ओपन कर लेना है। OBS स्टूडियो में जब आप सोर्सेज में जाओगे, प्लस के बटन पर क्लिक करोगे तो यहां पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, NDI सोर्स। NDI सोर्स आपके OBS में नॉर्मली नहीं होता है। NDI सोर्स को OBS स्टूडियो के अंदर कैसे लेके आते हैं उसका वीडियो मैंने बना रखा है, ये वाला वीडियो आप देख सकते हो। इस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कैसे आप अपने लैपटॉप या PC में NDI टूल्स को इंस्टॉल कर सकते हो, कैसे आप OBS स्टूडियो के अंदर NDI प्लगइन को इंस्टॉल कर सकते हो। जब आप अपने OBS स्टूडियो में NDI प्लगइन को इंस्टॉल कर लोगे और आप अपने लैपटॉप या PC में NDI टूल्स का इंस्टॉलेशन कर लोगे, तब आपके OBS स्टूडियो में NDI सोर्स दिखाई देने लगेगा। अब आपको अपना OBS स्टूडियो एक बार फिर से ओपन करना है और OBS स्टूडियो में आपको जाना है सोर्सेज में, प्लस के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद अब आप यहां देख सकते हो NDI सोर्स आपके OBS में दिखाई दे रहा है। NDI सोर्स पर क्लिक कर दो और उसके बाद ओके पर क्लिक कर दो। अब यहां पर आप देख रहे हो सोर्स नेम आ रहा है, इसके आगे एक एरो आ रहा है, इस पर क्लिक कर दो। अब यहां पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा, लोकल होस्ट NDI कैमरा, इसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप इसे सिलेक्ट करोगे आपका कैमरा यहां पर शो होने लगेगा और उसके बाद आपको सिंपल ओके पर क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हो हमारा ये कैमरा
हमारे OBS स्टूडियो में दिखाई देने लगा है। इसे हम फुल स्क्रीन कर देंगे, यहाँ से मैं इसे फुल स्क्रीन कर देता हूँ। फुल स्क्रीन करने के लिए सिंपल आपको कंट्रोल F दबा देना है, तो ये हमारा यहाँ पर फुल स्क्रीन हो जाएगा। अब मैं दिखाता हूँ आपको, हमारा कैमरा यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे मोबाइल फ़ोन के कैमरे की फुटेज सीधा हमारा OBS स्टूडियो के ऊपर आ रही है। यहाँ पर आप देख रहे हो कोई भी डिले आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा, और क्वालिटी भी काफ़ी शानदार यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। अब इसमें आप चाहो अपना बैक कैमरा इस्तेमाल करना, बैक कैमरा इस्तेमाल कर सकते हो। आप चाहो इसमें अपना फ्रंट कैमरा इस्तेमाल करना, तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो क्वालिटी काफी शानदार क्वालिटी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, इस तरह से बहुत ही आसानी से आप अपने मोबाइल फोन के कैमरे को वेब कैमरे की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपका OBS स्टूडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।